सारण में ही लालू जी की बहू इंतजार कर रही है। क्या उस बहू का क्या दोष था? उस बहू को जिसको सम्मान से सात फेरा लगाकर लाया गया, हमारी बिहार की बेटी थी, उस बेटी का इस तरह के अपमान करने वाले लोग क्या उस क्षेत्र में वोट के अधिकारी है? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर लालू यादव ने जिस प्रकार की सोशल इंजीनियरिंग की है उसकी चर्चा बिहार में हर तरफ की जा रही है, जिस तरीके से उन्होंने टिकटों का बंटवारा किया है। लेकिन देखिए, आज लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ छपरा लोकसभा यानी कि सारण लोकसभा के अंतर्गत सोनपुर पहुंच गए, जहां पर हरिहर नाथ मंदिर में उन्होंने भोले बाबा को दूध से नहलाया। लेकिन उसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है, क्योंकि रोहिणी आचार्या वहां मौजूद थी और वो सारण लोकसभा में जनसंपर्क अभियान शुरू कर रही हैं। लालू यादव ने इस बार अपने परंपरागत सीट पर अपनी बेटी रोहिणी आचार्या को उतार दिया है, सिंबल दे दिया है, और उसी के बाद से बिहार में राजनीति कुछ ऐसी शुरू हो गई है कि आज बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि रोहिणी आचार्या और लालू परिवार सारण पहुंचे क्योंकि वहां पर उनकी बड़ी बहू ऐश्वर्या उन लोगों का इंतजार कर रही हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि किस प्रकार से विजय कुमार सिन्हा ने रोहिणी आचार्या को सारण से उम्मीदवार बनाए जाने पर कटाक्ष किया है और साफ तौर पर कहा है कि बड़ी बहू इंतजार में है, जरा पहुंचिए तो सही। मैं बता दूं कि सारण में ही लालू जी की बहू इंतजार कर रही है। क्या उस बहू का क्या दोष था? उस बहू को जिसको सम्मान से सात फेरा लगाकर लाया गया, हमारी बिहार की बेटी थी, उस बेटी का इस तरह के अपमान करने वाले लोग क्या उस क्षेत्र में वोट के अधिकारी है? उस क्षेत्र की एक एक महिला, एक एक बेटी इसका हिसाब चुकता करेगा। सारण में उस बहू की आवाज हर महिला बनेगी और जवाब देगी कि आपकी बेटी और पत्नी और बेटा अब तक सारण की जनता सिमटी हुई नहीं है, हर बिहार की जनता जवाब देगी। मैं तो यही कह रहा हूं कि क्या माननीय न्यायालय पर विश्वास नहीं, उसका अपमान करने के लिए ये रैली करते हैं? अरे, एक तरफ लूटा, चोरी किया, लोगों को ठगा, और दूसरी तरफ इतने निर्लज्जता से आप रैली करके भाषण दिलवा रहे हो। तेजस्वी यादव ने मोदी की गारंटी को चाइनीज बताया। तेजस्वी यादव जी, आप तो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए, आप जनता के बीच न पसीना बहाए हैं, न मेहनत किए हैं, न गांव गलियों का दौरा किए हैं। हमने तो सदन में भी पूछा था कि नेता प्रतिपक्ष 5 साल थे, 5 जगह आपने संघर्ष किया वो बता दें, लेकिन नहीं जवाब दिए। हमने तो 500 दिन में 341 दिन 70% दिन हमने किसी न किसी जिला में संघर्ष किया। ये लोग भाजपा के सिपाही के सामने, भाजपा के कार्यकर्ता के सामने कहीं नहीं टिकेंगे। जनता को मोदी की गारंटी पर विश्वास है, ऐसे भ्रष्टाचारी को कभी विश्वास नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूं कि जेल देने का जिम्मेवारी क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है? अरे, जेल माननीय न्यायालय के आदेश से जा रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी संविधान में विश्वास नहीं है? संविधान का सम्मान नहीं कर सकते? आप परिवारवादी जमींदारी मानसिकता के लोग संविधान का आप नकार रहे हैं और संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं, जनता इसकी जवाब देगी। तो अभी आपने सुना बिहार के उपमुख्यमंत्री बीजेपी के कद्दावर नेता विजय कुमार सिन्हा को किस तरीके से लालू परिवार को घेरते नजर आ रहे थे और साफ तौर पर कहा है कि देखिए, बीजेपी जो है वो मेहनत से जमीन पर काम करके विकास योजनाओं के नाम पर वोट लेती है, लेकिन लालू का जो परिवार है
वो तो परिवारवाद में ही अटके हुए हैं, उससे आगे निकल ही नहीं सकते। लेकिन जिस तरीके से बड़ी बहू का उन्होंने नाम लिया है, उस ओर इशारा किया, जाहिर है लालू परिवार को ये रास नहीं आएगा। आपको मालूम होगा, दरोगा प्रसाद राय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे चंद्रिका राय और उनकी बेटी ऐश्वर्या की शादी लालू के बड़े लाल तेज प्रताप से हुई थी, लेकिन बात तलाक तक पहुंच गई। और उसके बाद बीते विधानसभा चुनाव में तो देखा भी गया किस तरह से राजद के खिलाफ चंद्रिका राय और ऐश्वर्या कैंपेनिंग करते भी दिखाई दिए थे, लेकिन इस बार राजनीतिक तौर पर ज़्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके विजय कुमार सिन्हा ने कटाक्ष किया है। रोहिणी आचार्य को लोकसभा का टिकट सारण में दिए जाने पर उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा है। आपको बताएं कि बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में चंद्रिका राय को लालू प्रसाद यादव ने सारण से टिकट थमाया था, जीत नहीं पाए थे, लेकिन उसके बाद पारिवारिक रिश्ते बिगड़ गए और हालात अब कुछ बिल्कुल ही अलग है। और ऐसी परिस्थिति में विजय कुमार सिन्हा लालू परिवार पर कटाक्ष कर रहे हैं। आपको मालूम होगा सारण से वर्तमान सांसद बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं, इस बार भी जीत की हुंकार भर रहे हैं, पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। लेकिन उनके सामने लालू यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा है। सिंपैथी लहर की बात की जा रही है, जिस प्रकार से लालू यादव को उन्होंने अपनी एक किडनी दी है, लेकिन देखना होगा मामला किस प्रकार से वहां पर बनता है, लड़ाई कितने कांटे की होती है। लेकिन विजय कुमार सिन्हा ने जो बात कही है, निश्चित तौर पर लालू परिवार इस पर जवाब तो जरूर देगा। बन रही है लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।